हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है अब तक आपने नहीं सोचा हो, क्योंकि ये जो बैंक है ना, बिल्कुल अलग बैंक है जो हमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल हट के है और बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ा बैंक है। तो यहाँ पे तो अकाउंट ही खोलना मतलब कि आम लोगों के बस की बात नहीं होती। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये सिटी बैंक है। और ये जो है, जिन लोगों को नहीं पता कि सिटी बैंक ये जो कैसा बैंक, कहाँ का बैंक है, क्या है ये, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिटी बैंक अमेरिका के पॉपुलर बैंकों में से, बड़े बैंकों में से एक है। और इसकी ब्रांचेज, इसकी सर्विसेज इंडिया के अंदर भी हैं। और ये भी आप लोगों को बता दूं कि इसके जो क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं इंडिया में, वो बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि इसका क्रेडिट कार्ड इंडिया में बहुत धुआंधार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो इसका क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। हालांकि जल्दी से मिल नहीं पाता, लेकिन जिन लोगों को मिल जाता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। और इस पर आपको ढेरों ऑफर्स और क्या बोलते हैं उसका, रिवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, कैशबैक मिलते हैं आपको। तो बात कर लेते हैं अब, पहले तो सबसे पहले अकाउंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिटी बैंक में अकाउंट ओपन करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो 1.5 लाख से मेरे ख्याल से शुरू होते हैं। कि आपको 1.5 लाख रुपये रखने होंगे अपने अकाउंट में, मेंटेन करने होंगे। लेकिन ये जो अकाउंट है जिसके बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये सिटी बैंक का सुविधा सैलरी अकाउंट है। और ये जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो सैलरीड हैं, सैलरीड परसेंट वर्किंग, जिनकी रेगुलर सैलरी आती है हर महीने या जैसे भी आती हो, जो सैलरीड है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब हो और रेगुलर सैलरी आती है उनके लिए। और जिन लोगों के पास नहीं है उनको मुश्किल हो जाएगा, ये अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इस अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने बता दिया, सिटी बैंक का सुविधा सैलरी अकाउंट है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, उनको आप जो रिडीम कर सकते हैं कैश में। और यहाँ पे देखिए, आपको सुविधा डेबिट कार्ड भी मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फलाना ढिमका के जो बेसिक सर्विसेज होते हैं वो मिलती हैं। अब बेनिफिट्स एंड फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग किट आपको मिलेगी। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग किट मिलेगी, जिसके अंदर मौजूद होगा पेएबल एट पर चेक बुक, यानी अकाउंट किट होती है ना, उसके अंदर आपको ये सब मिलेगा, चेक बुक और एटीएम कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। और जो एटीएम डेबिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो 50,000 रुपये की होगी, वो भी डेली की। अब बात करते हैं वन अकाउंट मैनी बेनिफिट्स, यानी एक अकाउंट और ढेरों फायदे। तो यहाँ पे देखिए, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी आपको किसी भी तरह के न्यूनतम राशि रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। होस्ट ऑफ ऑफर्स ऑन योर डेबिट, तो यहाँ पे आपको आपका जो डेबिट कार्ड मिलता है उस पर आपको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत ढेरों ऑफर मिलेंगे। सिटी बैंक की तरफ से अक्सर मैं देखता हूँ ऑफर मिलते रहते। और कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आपको मिलेगा 10 लाख तक का। और यूटिलिटी बिल पेमेंट फैसिलिटी मिलेगी, जो 200 सर्विस प्रोवाइडर के लिए, मतलब 200 सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया में मौजूद हैं उनके आप जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हैं इसमें, DTH के आगे मोबाइल, फलाना ढीमा का, पानी, बिजली, गैस, ये सब सब जुड़ जाएगा। नो कॉस्ट डिमांड ड्राफ्ट आपको मिलेगी, जो 100 लोकेशंस जो है डिलीवर करी जाती है इंडिया के अंदर। और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बेसिक सी सर्विसेज है NEFT, RTGS और MPS की। और यहाँ पे 3.5% पर एनम, यानी सालाना का 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। अब बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जो आपकी ज़रूरतों को, फाइनेंशियल नीड्स को, जो आपकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अप टू फाइव टाइम्स नेट मंथली सैलरी क्रेडिट, तो काफ़ी अच्छी जो है फैसिलिटी है। और क्रेडिट कार्ड ऐसा मिलेगा जो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। यहाँ पे ऑफरिंग्स टू सूट योर लाइफस्टाइल, जैसी आपकी ज़रूरत होगी वैसा आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी आपको मिलेंगे, जैसे मतलब कि चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को और उससे अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। आपको कई सारी सर्विसेज मिलेंगी। और प्रेफरेंशियल प्राइसिंग भी मिलेगी आपको पर्सनल लोन्स और होम लोन्स के लिए। और कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी मिलेगा।
अब बात करते हैं डेबिट कार्ड एडवांटेज की, तो जीरो फी डेबिट कार्ड जिसका कोई मतलब कि इस डेबिट कार्ड का कोई भी फीस नहीं लगेगा और ये जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा और इस पर जो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं ना उसको आप जो है कैशबैक में रिडीम कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक सी सर्विसेज हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। बैंकिंग रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के अगर बारे में बात की जाए, यहाँ देखिए डेबिट कार्ड की अगर बात की जाए तो जो डेबिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जैसा डेबिट कार्ड होगा वैसे आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और ये रेगुलर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया फिर ख़त्म, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, यानी कि नियमित तौर पर मिलेगा आपको, ठीक। और फर्स्ट सिटी मोबाइल लॉग इन विद इन 60 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जैसे आप जो अकाउंट ओपन करते हो 60 दिन के अंदर जब आप पहली बार सिटी मोबाइल, ये इनका मोबाइल ऐप है मोबाइल बैंकिंग के लिए, उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक बार मिलेगा, ऐसा नहीं बार बार मिले आपको। इसके बाद बात करते हैं जब आप पहली बार जो फंड ट्रांसफ़र करेंगे IMPS के ज़रिए, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको करना है तो आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट उसके लिए भी मिल जाएंगे, ये भी एक बार मिलेगा, बार बार नहीं। इसके बाद देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जब आप सेट करते हैं ना, फॉर ए सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट लोन पेमेंट या रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, सेट कर देते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए, लोन पेमेंट के लिए या रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए उनके पेमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको रेगुलर बेसिस पर रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। 5 रिवार्ड पॉइंट्स, मैक्सिमम ऑफ 20 रिवार्ड पॉइंट्स एवरी मंथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 रिवार्ड पॉइंट हर महीने मिल जाएंगे। बिल पेमेंट ऑन सिटी बैंक, जैसे आप जो सिटी बैंक ऑनलाइन से आप जो है बिल का पेमेंट करते हो तो रेगुलर बेसिस पे आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और ये जो है हर महीने आपको 20 रिवार्ड पॉइंट तक मिल सकते हैं। अब जो है इनका क्या करना होगा रिवार्ड पॉइंट का, ईच रिवार्ड पॉइंट इज़ वर्थ 1 रुपीज़, हर रिवार्ड पॉइंट जो है वो 1 रुपये के बराबर होगा। तो इनको आप जो है रिडीम कर लीजिए रिवार्ड पॉइंट्स को और कैशबैक के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। रिवार्ड पॉइंट्स आर वैलिड फॉर फर्स्ट ईयर, तो रिवार्ड पॉइंट जो फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है वैलिड होंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाए तो ख़त्म हो जाए, तो पहले कर लेना चाहिए। मिनिमम ऑफ 250 रिवार्ड पॉइंट्स, यानी 250 रिवार्ड पॉइंट जो है ज़रूरत होती है रिडीम करने के लिए, जब आप रिडीम करने जाएँ तो इतने की ज़रूरत होगी, ठीक है। एंड कैन बी रिडीम ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ 50, तो कुछ इस तरह से इसका हिसाब बनता है। और अनरिडीम रिवार्ड पॉइंट विल बी लैप्स एवरी कार्ड मेंबरशिप ईयर, लैप्स होंगे। रिवार्ड पॉइंट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन विल बी क्रेडिटेड विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ मंथ, ये सब समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप, फॉर ट्रांजैक्शन डन इन द प्रीवियस मंथ। अब ये सब तो हाउ टू रिडीम का फलाना ढिमाका का, और बैंकिंग ऑन द गो तो इसमें क्या मिलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वही इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताए होंगे। तो जितनी जो ज़रूरी जानकारी देनी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है, बता दिया है। ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है सैलरी वालों के लिए, तो ये बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत बेहतरीन अकाउंट है भाई। जो लोग सिटी में रह रहे हों और जिनके आसपास में सिटी बैंक की ब्रांच हो, ओपन कर लीजिए। वैसे आप इसको शायद ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, तो बहरहाल मेरे ख्याल से इसको ऑनलाइन बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन अप्लाई करिए। काफ़ी बेहतरीन अकाउंट है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि सिटी बैंक में अगर आपको कोई अकाउंट मिल रहा है ना तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो बता दिया मैंने, और रिवार्ड तो बहुत ज़बरदस्त, जैसा कि एक जो है रिवार्ड पॉइंट बराबर 1 रुपये थी, ये तो गज़ब का है कि मतलब कि इसमें आपको दबा के रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप दबा के उसको रिडीम करिए, इस्तेमाल करें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतर वीडियोज़ मिलती रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।